हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिक्रम एडिट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने नॉर्मल फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में कट आउट कैसे कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमको स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, अब आप लोग देख सकते हो। तो हमको फ़ोटो की बैकग्राउंड को इजर करने के लिए हमको सिंपल से इस कटआउट के ऑप्शन पर जाना होगा। तो उसके बाद हम इस ब्रश वाले पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद साइज़ अपने हिसाब से रखकर और हार्डनेस को हम अपने हिसाब से रखकर हमारा जो फेस है या मॉडल है, हम बैकग्राउंड पे नहीं पेंट करेंगे। हमारे ओनली हम हमारे फेस या टी शर्ट इस पर हम कलर पेंट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग देख सकते हो हमने हमारा जो मॉडल है तो उस पर हम पेंट कर दिया। अब हम डन कर देंगे। ये थोड़ा लोडिंग लगेगा, तब तक आप लोग वेट कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा बैकग्राउंड इधर हो चुकी है। आप लोग देख लो, थोड़ा बहुत तो रह चुका है। तो आप जितने ज़्यादा इस पे टाइम दोगे तो उतनी अच्छे से आपका फ़ोटो कट आउट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आप लोगों की जो कट आउट है वो अच्छे से हो जाए। अब इस फ़ोटो को मैं एक बैकग्राउंड में सेट करके दिखाऊंगा जो एकदम रियल लगेंगे। तो उससे पहले हमको इस फ़ोटो को हमको सेव कर लेना होगा। अभी जो फ़ोटो हमने कट आउट किया था वो फ़ोटो हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद हम एक बैकग्राउंड के ऊपर वो फ़ोटो लगाकर आप लोगों को दिखाएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे आप लोगों को। उसके लिए हमको स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करना होगा और हमको एक अच्छा सा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फटाफट से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस बैकग्राउंड पर वो कटा हुआ फ़ोटो को, कटआउट किया हुआ फ़ोटो को लगाऊँगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक एड फोटो की ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, इस पर हम लोग जाएंगे। उसके बाद पहले ही आप लोगों को दिख जाएगा ये हमारा कटआउट वाली फ़ोटो, उस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, उसके बाद हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा ऐसे जूम कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये अपने, मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तो छोटा करने से इसको रियल नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो जो फोटो है वो बैकग्राउंड से मैच हो चुका है। उसके बाद हम इस तरह से डन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा फ़ोटो कितना इजीली बैकग्राउंड से मैच हो चुका है। तो आज के लिए बाय बाय।